सो हाय एवरीवन फ्रेंड्स, मेरा नाम पिंट और मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी जगह पे नौकरी में काम करते हो, आप सरकारी नौकरी करते हो या फिर फ्रेंड्स कहीं भी काम करते हो, तो आपका जो पीएफ का जो पैसा जो आता है वो आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। आप फ्रेंड्स कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है मैं इस पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स उसमें आप पीएफ यानी जानते होंगे पीपीएफ, अगर आप पैसा मान लीजिए आपका सैलरी 12,000 रुपये है तो आपको उसमें पीएफ काट के आपको मान लीजिए 10,000 रुपये मिल रहा है, तो आपका जो 2,000 रुपये है वो आपका पीएफ अकाउंट में चला जा रहा है। तो वो पैसा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पारा में हैं या फिर सरकारी नौकरी यानी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आप पारा में, तो आप खुद पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमरजेंसी में ले सकते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है मैं इस पूरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कैसे क्या करना है। सिंपली फ्रेंड्स आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, कोई ब्राउज़र हो, क्रोम ब्राउज़र या फिर भी कोई ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टाइप करना है ई एफ ओ, इनमें साथ टाइप करके सर्च कर लेना आपको। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दो वेबसाइट है, तो वेबसाइट फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रंट थ्री लाइन है, यहाँ पे थ्री डॉट यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर में, वहाँ से आप टैप करके यहाँ पे डेस्कटॉप सेट वर्जन में कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूएन नंबर, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यूएन नंबर, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पासवर्ड, यहाँ पे फ्रेंड्स आप कैप्चा फिल के सिग इन पे क्लिक कर देना है। अगर आप यूएन नंबर नहीं जानते तो आपको यूएन नंबर मिला होगा। अगर आप क्रिएट करना नहीं जानते कैसे यूएन नंबर को क्रिएट है, एक्टिवेट करना जानते हैं एक्टिवेट किया जाता है, अगर आप कमेंट करते तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कैसे आप यूएन नंबर को करना एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप यूएन नंबर क्रिएट कर सकते हैं, यूएन नंबर मिला रहता है उसको आप कैसे कैसे क्या प्रोसेस किया जाता है मैं उस पर यानी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको पहले सिंग इन कर लेता हूँ, तो मैं यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के और यहाँ पर सिंग इन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स सिंग इन करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लेटर पे क्लिक करना है और यहाँ फ्रेंड्स आपको सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, मैं इसको ब्लर कर दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना, तो मैं अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर डाल के फ्रेंड्स यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो मैं अपना भी अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एस पे क्लिक करना है, तो मैं एस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टिक जैसा कुछ लगा हुआ आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोसीड एंड ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट क्लेम पे आपको यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ सर्विसेज में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना जो भी रीजन देख पैसा निकालना चाहते हैं वो रीजन दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जितना पैसा आप निकालना चाहते हैं वहाँ पे अमाउंट डालना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको एड्रेस डाल लेना है, क्या क्या डालना है बताता हूँ। पहले यहाँ पर एड्रेस डालना है, यहाँ पे फिर एड्रेस यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टेट चूज कर लेता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स अपना पिन कोड डालना है, तो मैं अपना पिन कोड डाल लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिटी डालना है। अपना यहाँ पे जगह का नाम डाल देना है।
यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना, तो मैं अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। और फ्रेंड्स इतना चीज़ डालने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे चेकबुक या फिर अपना यहाँ पे एक फाइल को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, चेकबुक या पासबुक का फ्रंट पेज, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स हर चीज़ अपलोड करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टिक कर देना है, उसके बाद गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। मैं सारा चीज़ डाल लेता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो फाइल अपलोड करेंगे 100 KB से लेकर 500 KB रहना चाहिए, उससे आप 100 KB से नीचे नहीं डाल सकते और 500 KB से ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो मैं सारा चीज़ डाल लेता हूँ। डालने का फ्रेंड्स कुछ हिसाब आपके यहाँ पे नज़र आएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लर कर दिया हूँ। अब गेट OTP पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और फ्रेंड जो भी OTP आपके यानी मोबाइल नंबर में आधार कार्ड लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगा, मैं यहाँ पे OTP उसका डाल दूंगा। उसके बाद फिर वैलिड एंड क्लेम पे क्लिक करना है, वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम। मैं सारा चीज़ डाल दिया हूँ, OTP मैं डाल रहा हूँ उसके। इस तरह करके फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आ जाएगा, देख सकते हैं OTP है वेरीफाइड एडवांस क्लेम PF, इस पर क्लिक करना है आपको। सक्सेसफुली फ्रेंड्स ये हो चुका है, PDF फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं दिखा देता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ट्रैक क्लेम पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि कहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्लेम दिखा रहा है, ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं इस पूरा वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अपने PF अकाउंट का पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने यानी बैंक अकाउंट में, वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।